किसी शख्स को तकलीफ में देखकर अगर आपका दिल पसीजता नहीं है, दिल में नरमी अगर पैदा नहीं होती है, तो फिर जान लीजिए मैं एक बहुत सख्त बात कहने लगा हूं। एक शख्स आलिम हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, फकी हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, आबिद हो सकता है, जाहिद हो सकता है, नेक नहीं हो सकता अगर इंसानी हमदर्दी का मादा उसके दिल में नहीं। तुम हरगिज नेकी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक खर्च ना करो उसमें से जो तुम्हें महबूब है। अगर आपका माल ऐसा है जो दिल से उतर गया है, कपड़े बोसीदा हो गए हैं दे दिए गरीब को, जूते टूट गए दे दिए किसी को, ये नहीं है, ये नेकी नहीं है। नेकी क्या है? मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद हो वो माल। अपने महबूब माल को जब तक खर्च नहीं करोगे अल्लाह की रजा मंदी के लिए, अल्लाह की रजा जुई के लिए, उस वक्त तक नेकी का मकाम हासिल नहीं कर सकते। इसमें तरतीब भी लाजमी है। सबसे पहला हकदार जो है आपके नेक सलूक का, वो आपके कराबतदार हैं। आम तौर पर कराबतदारों में, करीबी रिश्तेदारों में शकर रंजियां होती हैं। अब फला जो है, फर्ज कीजिए कि कोई छोटा भाई फौत हो गया या बड़ा भाई फौत हो गया, अब दूसरा भाई जो है अच्छा है, जो फौतशुदा भाई है उसके हालात अब खराब हैं, बेवा है, बच्चे हैं, कोई जरिया माश नहीं है, और ये शख्स जो है वो साहिब सरवत है, साहिब दौलत है, ये औरों को तो खैरात देगा, अपने यतीम भांजा और भतीजों को नहीं देगा। क्यों? इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, उन्होंने फला वक्त ये कह दिया था, वो भाभी ने फला वक्त जो है मेरे साथ ये मामला किया था। इस हवाले से, शकर रंजियों की वजह से इनको छोड़कर दूर दराज जाकर रेवड़ियां बांटी जाएंगी, लेकिन जो असल हकदार है उनको छोड़ दिया जाए। इसका तजिया कीजिए। इसका मतलब है ये अल्लाह के लिए नहीं दिया जा रहा। अगर अल्लाह का जज्बा हो अल्लाह को राजी करना, तो फिर तो देखो कि अल्लाह ने सबसे पहला हकदार किसको बनाया, फिर तो देखना होगा तरतीब अल्लाह की। अल्लाह की तरतीब में तो आत अल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, ज़विल क़ुरबा सबसे पहले है, उसके बाद यतामा है, मसाकीन है, वब्न सबील है, वसाइलीन है, वफिर रिकाब है, लेकिन अव्वलीन जो है ज़विल क़ुरबा है। जैसे हदीस आती है कि हुज़ूर ने फरमाया, जिसने अगर किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए मोहब्बत की, कि अल्लाह को पसंद है कि उससे मोहब्बत की जाए, और किसी से बुग्ज़ और अदावत रखी तो वो भी इसलिए कि अल्लाह को पसंद है कि उससे बोझ रखा जाए, और अगर किसी को कुछ दिया तो इसलिए कि अल्लाह को उसका देना पसंद है, और किसी से कुछ रोका तो इसलिए रोका कि अल्लाह को उसका रोकना पसंद है। यानी इंसान के तमाम आमाल का असल मोटिव जो है वो ज़ाते बारी ताला और उसके अहकाम और उसकी पसंद उसकी नापसंद बन जाए। अगर ये हो जाए तो ऐसे शख्स ने तो अपने ईमान की तकमील कर ली। ये कमाल है ईमान का मकाम। Thank you.